और सातवें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल होंगी। ये देश के नक्शे की वो तस्वीर है जहां आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाने हैं। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पंजाब की भी 13 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मतदान होना है। लेकिन इन 57 सीटों में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, गाजीपुर जैसी सीटें शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 पार का जो दावा किया जा रहा है वो सच साबित होकर रहेगा। सुनिए गाजीपुर में रोड शो के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। 400 पार हो, 4 तारीख को जनता को मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश और देश हमारी सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। उधर गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सिटी पर चुनाव लड़ रहे रवि किशन के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया और यूपी को पूरी तरह से माफिया मुक्त कराने का वादा किया। उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है, जो बाकी एकाध बच्चे होंगे उनका भी सफाया हो जाएगा। उनके वॉर रूम में बाल नोचे जा रहे हैं, अब ब्लेम गेम शुरू होगा। 4 जून के बाद इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे, आप देखिएगा ना। ये 26 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, हम लोग 5 जून के बाद फिर से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरे साल की। हम लोग कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में फिर 5 साल जैसे चलते हैं वैसे चलने लगेंगे और देश की सेवा, गरीबों की सेवा करेंगे। उधर वाराणसी सीट को लेकर कांग्रेस के अजय राय का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच गया। हम तो लगातार लगे हैं ना, हमारे कार्यकर्ता देखिए, हमारे दिन रात लोग लगे हैं। हमारे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सबसे आगे है, जनता लड़ रही है। और वो जो लीड बढ़ाने की बात करके इस बार सबसे बड़ी लीड वो वक्त बताएगा। कह तो रहे हैं कि 14 नहीं रुके, 19 नहीं रुके, 24 में क्यों रुक रहे हो भाई बनारस में। आखिरी चरण की जंग में हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मंडी पर लोगों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मंडी से कंगना रनौत पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में सबकी नजरें डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे अभिषेक बनर्जी पर हैं और बिहार की काराकाट सीट से भोजपुर स्टार पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी आखिरी चरण का यह रण दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाला है।